आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का अध्ययन शुरू करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं अपने पास उनके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब होता है कि किसी भी दी गई रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी इंटरमीडिएट स्पीशीज बन रही हैं, उनको यदि एक क्रम में लिख देंगे कि शुरू में अपने पास रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट्स में कौन से बॉन्ड टूटे या कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, उनका यदि एक क्रम लिख देंगे सही सही अपन, और इंटरमीडिएट्स को भी शो कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं इसको शो कर देंगे, तो हमें एक मैकेनिज्म प्राप्त होता है। यानी किसी भी अभिक्रिया में जो बनने वाले सभी स्पीसीज, इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा हूं मैं, उनको अपन क्रमबद्ध रूप में लिख दें तो हमें मैकेनिज्म प्राप्त होता है। जो अपने पास कोई भी मैकेनिज्म होता है तो उसमें एक टर्म काम में आती है, एरो नोटेशंस। और एरो नोटेशंस भी कर्व वाले काम में लेते हैं तो हम कहेंगे कर्व एरो नोटेशंस। इनका मतलब अपने को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं। तो जो कर्व एरो नोटेशंस हैं उनमें याद रखना, अगर कभी भी अपने पास एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको ये वाला एरो काम में लेना है, सिंगल हेडेड एरो अथवा फिश हुक एरो। याद रखना, सिंगल हेडेड एरो या फिश हुक एरो एकल इलेक्ट्रॉन अभिगमन के लिए। और कभी भी यदि दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो कर रहे हैं तो ये फिर डबल हेडेड एरो हो जाएगा। ये सिंगल हेडेड एरो है और ये डबल हेडेड एरो हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपने पास दो इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये अपने पास किसके लिए हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो याद रखना इनको। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, ये एक्स वाई है। अगर इस बॉन्ड का अपने पास होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक का मतलब जो भी बॉन्ड है उस बॉन्ड के समस्त इलेक्ट्रॉन का बराबर डिवाइडेशन करेंगे अपन, तो अपने को पता है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे, एक इधर दे देंगे, तो हमारे पास क्या बन गए, यहां पर फ्री रेडिकल्स बन गए। इसी तरह से जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। और यदि अब ध्यान रखना, जब ये वाला अपन क्लीवेज शो करेंगे तो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो हम यहां पर फिश हुक एरो काम में लेंगे, यानी ये वाला एरो काम में लेंगे, यहां पर भी फिश हुक एरो। लेकिन यदि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को यदि अपन ट्रांसफर कर दें, जैसे इसमें हो रहा है अपने पास, तो यहां पर अपन डबल हेडेड एरो काम में लेंगे। और इसमें फ्री रेडिकल्स नहीं, इसमें अपने पास आयनिक स्पीसीज बनती हैं। जैसे CH3Cl है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है उसकी साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये Cl- बन जाएगा, उधर क्या बन जाएगा अपने पास, CH3+ बन जाएगा अपने पास। तो याद रखना, जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है और कोई न्यूट्रल स्पीसीज अपने पास है तो हमेशा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और यदि हिट्रोलिटिक क्लीवेज होता है अपने पास और वो कैसा है, हिट्रोलिटिक क्लीवेज में न्यूट्रल स्पीसीज है, तो हमारे पास हमेशा एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। तो ये इन चीजों का भी अपने को ध्यान रखना है। ये जो अपने पास एरो काम में आ रहा है इसमें क्या करें, अपने पास ये रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर शो करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसके दोनों साइड पे अपन डबल हेडेड सिंबल काम में लेंगे यहां पर, तो ये रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए काम में लिया जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन दो तरह से, होमोलिटिक क्लीवेज और जिसको अपन होमोलाइसिस कहते हैं, और एक हिट्रोलिटिक क्लीवेज जो मैं आपको मैं बता चुका हूं। यहां पर एक बार और जल्दी से देख लें, होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो सिंगल हेडेड एरो काम में आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाएंगे और हमारे पास क्या बनेंगे, ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो अपने पास फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, यहां पर भी होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो यहां पर भी क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। लेकिन यदि हिट्रोलिटिक क्लीवेज कहीं पे है या हिट्रोलाइसिस हो रहा है तो अपने को पता है एक कैटायन और एक एनायन का निर्माण होगा। जैसे यहां पर यह एल्किल हैलाइड है,
इसका यदि हिट्रोलाइसिस अपन करवा दें, तो याद रखना थोड़ा सा कि हमेशा जो बोंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और आर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये अपने पास हो गया हिट्रोलिटिक क्लीवेज। इसी तरह से CH3Cl है, इसमें भी क्या हो गया अपने पास हिट्रोलिटिक क्लीवेज। तो इसमें भी ये कैटायन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। यहां पर भी अपने पास हिट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, इस साइड में पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये एनायन बन जाएगा और ये कैटायन। तो ये देखो एनायन बन गया और ये क्या बन गया अपने पास, कैटायन बन गया। यदि अपने पास होमोलिटिक क्लीवेज जैसे कार्बन के साथ जुड़े हुए दो एटम्स हैं उनके साथ हो रहा है होमोलिटिक क्लीवेज, और जब एक ही कार्बन से दो एटम हटते हैं तो हमारे पास कार्बीन का निर्माण होता है। किसका, कार्बीन का। और यदि तीसरा एटम भी यहां से हट जाए होमोलिटिक क्लीवेज के द्वारा, यानी ये वाली स्थिति अपने पास बन जाए 1 2 3 और ये आ जाए, तो फिर ये कार्बीन नहीं, ये क्या कहलाएगी, कार्बाइन। तो कार्बाइन में एक तरह से ये क्या हो जाएगा, एकल संयोजी हो जाएगा। इसमें अपने पास ये द्विसंयोजी हैं, ये दोनों की दोनों न्यूट्रल स्पीशीज। अब अपन रिएजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो रिएजेंट्स एक कैटायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं। तो जो अपने पास रिएजेंट्स है उसमें याद रखना, एक तो नाभिक स्नेही रिएजेंट्स और एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है, बहुत सारे रिएजेंट्स दे दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है इनमें से इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचानो, इनमें से न्यूक्लियोफाइल्स को पहचानो। तो याद रखना अगर कहीं पर भी अपने पास नाभिक स्नेही वर्ड काम में आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक टर्म काम में आ रही है, इसका मतलब नाभिक से स्नेह करने वाला, और नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब जो नाभिक स्नेही होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, या तो उसके पास लोन पेयर्स होंगे या उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहां पर अपन एग्जांपल्स देखते हैं कि ये जितने भी एनायंस हैं, ये जितने भी एनायंस हैं उनमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल होंगे, यानी नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होने वाले स्पीसीज हैं ये सब। तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो उसमें सोचना ही नहीं है, वो सब के सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। और यदि अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन रिच में नेगेटिव चार्ज के साथ साथ जिनमें लोन पेयर्स भी हैं, जैसे यहां पर अपने पास वाटर मॉलिक्यूल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये था ईथर होगी अपने पास, ये सामान्य ईथर होगी, ये RLI RMGX, इसके बारे में भी RMGX के बारे में पूछ सकता है। तो यहां आर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है ये इसको क्या बना देता है, न्यूक्लियोफाइल बना देता है। जो RLI है स्पीशीज अपने पास, या R2CULI भी हो तो आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी क्या होते हैं सबके सब न्यूक्लियोफाइल्स। वो स्पीसीज जो हाइड्राइड आयन डिलीवर करती है, जो हाइड्राइड आयन देती है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये भी सब की सब क्या होती हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल होती हैं। इसी तरह से अमोनिया है, एमीन्स है, एल्कीन और एल्काइन, ये भी याद रखना। इनमें क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्रिएट कर देता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर है और यहां पर है, ये इन एल्कीन और एल्काइन को नाभिक स्नेही बना देता है। तो कोई भी एल्कीन आ जाए, एल्काइन आ जाए, लोन पेयर एक ही एक से ज्यादा रखने वाली स्पीसीज आ जाए अपने पास, हाइड्राइड एंड डिलीवर करने वाली स्पीसीज आ जाए, तो वो सब की सब न्यूक्लियोफाइल कंसीडर की जाएंगी। तो ये सब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हो गए। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में। तो देखो तो इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है,
तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो जितने भी कैटायंस हैं, जितने भी आपको कैटायंस दिखें, वो सब के सब कैटायंस इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल, तो किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल। या फिर ऐसी स्पीशीज हो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ये जितने भी स्पीशीज दे रखी हैं, इन सब के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो वे सब भी अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगी। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे जिनमें ये पूछा जाएगा। ये अपने पास कार्बिन जो है, या डाइक्लोरोकार्बिन है, या नाइट्रीन है, या एल्गिल फ्री रेडिकल्स हैं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ये याद रखना, ये भी एग्जाम्स में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल रिएजेंट्स के बारे में। तो जिनके ऊपर भी फ्री रेडिकल है, वो सबके सब फ्री रेडिकल रिएजेंट्स होंगे। और ये जनरली क्या होते हैं, अपने पास उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब अपन बात करेंगे कुछ और उदाहरण। देखो, हाइड्रोनियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज तो रखता है, लेकिन यहां ऑक्सीजन की ऐसी स्थिति नहीं है कि चौथा बॉन्ड भी बना ले, इसीलिए न तो ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएगा और न ही न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा अपने पास। यानी ये जब भी ट्राइवेलेंट हो जाए, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है यहां पर भी, तो न इलेक्ट्रोफाइल है न न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से अमोनियम आयन है, न इलेक्ट्रोफाइल है न न्यूक्लियोफाइल है। अब अपन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कितने भागों में बांट रखा है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, उनको चार भागों में बांट रखा है। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा एडिशन रिएक्शंस, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस, चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो चार प्रकार के रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब अपन इन चारों रिएक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब यह होता है कि मान लीजिए जैसे अपने पास ये कोई कंपाउंड है और इसमें ये दो ग्रुप है। अब ये ग्रुप तो यहां से हट जाए और इसके स्थान पे कोई दूसरा ग्रुप किसी भी प्रकार से आकर के जुड़ जाए, चाहे वो इधर से जुड़े, फ्रंट से जुड़े। तो पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर हम इसका प्रतिस्थापन किसी नए ग्रुप के द्वारा कर दें, भले वो कैटायन है, एनायन है, फ्री रेडिकल है, जो भी है, तो हम इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे अपन यहां पे देखें कि ये जो Cl है, इस Cl को इस OH ने रिप्लेस कर दिया, तो OH यहां पे आ गया, Cl यहां चला गया। ये देखो, OH आ गया अपने पास, CH3 से जुड़ गया और Cl के से जुड़ गया, ये KCl बन गया अपने पास। अब जो अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को तीन भागों में बांट रखा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, वो दो भागों में बांट रखी है, यूनिमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनको हम SN1 रिएक्शंस भी कहते हैं, और बाइमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनको हम SN2 रिएक्शंस भी कहते हैं। तो ये SN1 रिएक्शंस हैं और ये SN2 रिएक्शंस हैं। ध्यान रखना, SN1 कैसे लिखते हैं, इसको लिखने में भी गलती होती है। तो SN1 लिखने के लिए देखो, सबसे पहले कैपिटल S, इसके जस्ट हाफ साइज का कैपिटल N, ये कैपिटल N, और इसके सुपरस्क्रिप्ट के रूप में
यूनि मोलिकुलर है तो 1 लगा दीजिए, और बाई मोलिकुलर है तो 2 लगा लीजिए, और यदि इंटरनल है तो यहां पर आई लग जाता है, स्मॉल आई। तो SN1, SN2, और एक और आती है अपने पास जिसको अपन कहते हैं SNI रिएक्शन। तो तीन प्रकार की रिएक्शन। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो भी दो प्रकार की होती है, SE1 और SE2। तो SE1 और SE2, और ये SN1 और SN2, तो याद रखना इनको। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनमें एक फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन दूसरे फ्री रेडिकल के द्वारा होता है, अर्थात इनमें आयनिक स्पीशीज नहीं बनती हैं, उनको अपन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में ये यहां से एक्स हट जाए इन द फॉर्म ऑफ एच फ्री रेडिकल, और यहां पर एक्स फ्री रेडिकल जुड़ जाए, तो एक्स फ्री रेडिकल यहां पे जुड़ते ही ये तो बन गया एल्केलाइड, और जो यहां से एक्स निकला था यहां से एच है, वो क्या निकल किस फॉर्म में निकल जाएगा, एच एक्स की फॉर्म में निकल जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास फ्री रेडिकल। ये पूरी डिटेल से रिएक्शंस अपन एल्केन वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा एल्केन का हेलोजनीकरण, तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स एक तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है, उसमें पूरी डिटेल दे रखी है, तो वहीं अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मैकेनिज्म भी अपन वहीं पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म वहीं पे डिटेल से दे रखा है। इसी तरह से देखते हैं अब अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी डिटेल से, जो हमारा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है उसमें दे रखा है, तो डिटेल से अपन स्टडी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से वहां पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। ये मान लीजिए अपने पास एक कंपाउंड है RLG, तो ये LG का मतलब कोई लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ गया और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया अपने पास, तो ये प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने पहले कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, SN1 और SN2, और इनकी डिटेल अपन लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए यहां थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। ये SN2 रिएक्शंस, इसकी भी डिटेल वहीं पे दे रखी है एल्केलाइड वाले चैप्टर में, इसलिए वहां अपन ज्यादा गहराई से अध्ययन करेंगे इसका। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये भी अपने जो एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर है उसमें डिटेल से दे रखी है, थोड़ा शॉर्ट में यहां देख लेते हैं अपन कि जो बेंजीन है या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब जब किसी अभिक्रिया में, ध्यान से सुनना, जब किसी सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया में स्लोएस्ट स्टेप में, जब किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर ये बेंजीन रिंग है, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं, ये अपने पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर इसके बाद ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना देंगे, इसको इधर ले जाएंगे यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये आ गया, फिर इसको इधर लाएंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये आ गया, लास्ट स्टेप में यहां से ये गलत लग गया थोड़ा सा, यहां से प्रोटोन निकाल देंगे और ये अपने पास प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, डिटेल से अपन
एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसे। ये सल्फोनेशन, हेलोजनीकरण, फिडेल कार्बोनेशन, ये वहीं पर दे रखी है। अब अपन अगले वीडियो में एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।